वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर गोवर्धन यदु, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट राजीव लोचन कॉलेज राजीमा। टुडे आई विल डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ मैग्नॉन एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। दिस टॉपिक इज द पार्ट ऑफ एमएससी फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स सेकेंड यूनिट फोर्थ। आज के इस लेक्चर पे हम मैग्नॉन का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल इविडेंस है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे। मैग्नॉन इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द स्पिन वेव्स। हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैग्नॉन से संबंधित डिस्पर्शन रिलेशन को भी डिस्क्राइब किया था, और जो फेरोमैग्नेटिज्म टर्म है उसके बारे में भी डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो हम देखते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और फेरोमैग्नेटिक के जो स्पिन्स हैं और जो मैग्नेटिक मोमेंट है, दे आर पैरेलल इन अ वन पर्टिकुलर लाइन। एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स डोमेन्स का निर्माण करते हैं। डोमेन इज द रीजन वेयर द स्पिन्स आर ओरिएंटेड इन पॉसिबल डायरेक्शंस। सो द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द स्पिन्स कैन फॉर्म्स अ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्पिन्स एज वेल एज इन मैग्नेटिक मोमेंट्स। व्हेन द स्पिन्स आर एक्साइटेड then the waves can be generated. That waves is called spin wave, and that wave is quantized like the photons or phonons. Phonons is the quanta of lattice vibration. Photons is the quanta of energy, h nu. Similarly, the magnons is also the quantization of the spin waves. So, the spin waves has some minimum amount which is minimum for the spin waves. That's why it is quantized. That can be observed. In the recent video lecture, we have to discuss about the experimental observation of the magnons and spin waves. So these are the contents of the of this video lectures: neutron magnetic scattering, this is the experimental evidence of the magnon spin waves. Then we discuss about ferrimagnetic order. This is the special case of ferromagnetism. This is the special case of the ferromagnetic material. And now talk about the Curie temperature and susceptibility of ferrimagnet. Then iron garnet. And finally we discuss about the anti-ferromagnetic order, which is another special case of the magnetic properties. सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूट्रॉन मैग्नेटिक स्कैटरिंग। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जो मैग्नॉन्स हैं उसका एक्सपेरिमेंटल इविडेंस भी है, और उस एक्सपेरिमेंटल इविडेंस में से एक मुख्य एक्सपेरिमेंटल इविडेंस जो है न्यूट्रॉन मैग्नेटिक स्कैटरिंग है। तो हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। जो पहला जो यहाँ पर पहला ग्राफ दिख रहा है आपको, उसको हम समझने का पहले प्रयास करते हैं। An X-ray photon sees the special distribution of electronic charge, whether the charge density is magnetized or unmagnetized.
हम देखते हैं कि जो एक्सरे फोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वो चार्ज या तो मैग्नेटाइज भी हो सकते हैं या अनमैग्नेटाइज भी हो सकते हैं। न्यूट्रॉन, लुक एट दिस स्टेटमेंट्स, अ न्यूट्रॉन सी टू एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटाइजेशन, द न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन पैटर्न फॉर आयन इन सोन इन फिगर नंबर वन विच कैन बी सोन इन नेक्स्ट स्लाइड। न्यूट्रॉन जो है वो क्रिस्टल के अंदर दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व करता है। पहला ऑब्जर्वेशन उसका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का वितरण कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, साथ ही साथ उस न्यूक्लियाई के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैं वो कैसे मैग्नेटाइज हो रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। मतलब हम देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन कैन ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियाई ड्यू टू द मोमेंट्स। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि पहला ग्राफ उस पर डिस्कशन करते हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इंटरैक्ट विद द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द क्रॉस सेक्शन फॉर द न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज फॉर द न्यूट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है वह इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से इंटरेक्ट करता है। मीन्स हम यह देखते हैं कि यदि किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर कोई न्यूट्रॉन एनर्जी अप्लाई की जाए तो न्यूट्रॉन एनर्जी दो प्रकार के एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करने का प्रयास करेगा। पहला कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कैसा है और खुद उसका डिफ्रेक्शन पैटर्न कैसा बन रहा है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से इंटरेक्ट करेगा और जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन का जो क्रॉस सेक्शन है वह सेम ऑर्डर का होगा न्यूट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन से। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं पहले कि हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनमें कुछ न्यूक्लियस हैं, उनके चारों ओर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियस से मिलकर बने होते हैं, उनके चारों इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्वेशन होता है डिफरेंट इलेप्टिकल शेप्स पे। तो जब न्यूट्रॉन उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर आएगा या हम कहीं से इंसिडेंट करते हैं या हम कोई न्यूट्रॉन सोर्स से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को का ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन कैन इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन इज डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियर। न्यूट्रॉन जो है डायरेक्टली न्यूक्लियस से भी इंटरेक्ट कर सकता है, इनडायरेक्टली भी कर सकता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का जो क्रॉस सेक्शन है इंटरेक्शन का, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन, दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर का ही बना हुआ होता है। अब हम इसके थर्ड लाइन को देखते हैं, यहाँ पर थर्ड लाइन से हम समझने का प्रयास करते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय द मैग्नेटिक क्रिस्टल अलाउ द डिटरमाइनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्शन एंड ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। जो न्यूट्रॉन का डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक क्रिस्टल से वह यह बताता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उस पूरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर, उसका डायरेक्शन कैसे होगा और उसका ऑर्डर कैसे डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। तो हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो न्यूट्रॉन हैं वह जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर आते हैं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैज द पैरेलल स्पिन एंड द मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो पैरेलल, व्हेन द न्यूट्रॉन इन रेडिएशन कम्स टू द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देन द न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन ऑकर्स एज वेल एज न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन इज आल्सो ऑकर्ड। So the spins of the ferromagnetic material are excited and they can produce a spin wave and that spin wave is called the magnons. So the experimental observation of the magnons can be done by the neutron
मैग्नेटिक स्कैटरिंग। हम यहाँ पे देखते हैं सेकेंड स्लाइड जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इस स्लाइड पर हम देखते हैं कि पहला जो पैराग्राफ है, पहले हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। अ न्यूट्रॉन कैन बी इन इलास्टिकली स्केटर्ड बाई द मैग्नेटिक स्ट्रक्चर विद द क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑफ मैग्नॉन। सच इवेंट मेक पॉसिबल द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइनेशन ऑफ द मैग्नॉन स्पेक्ट्रा। न्यूट्रॉन जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के न्यूक्लियर से या मैग्नेटिक स्ट्रक्चर से इंटरेक्ट होगा इन इलास्टिकली, एनर्जी और मोमेंटम जो है कंजर्व नहीं रहते इन इलास्टिकली, इलास्टिकली में एनर्जी और मोमेंटम का कंजर्वेशन बना रहता है, तो सो द इलेक्ट्रॉन कैन इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाई द इन इलास्टिक प्रोसेस। दैट मीन्स एनर्जी एंड मोमेंटम कैन नॉट बी कंजर्व इन दिस scattering in this interaction, then the phonon can be generated or the photon cannot be generated, photon can be destroyed by this interaction. दोनों possibility, या तो मैग्नॉन generate होगा या तो मैग्नॉन generate नहीं होगा या ख़त्म हो जाएगा। जो जब जो मैग्नॉन उस पर उपस्थित हैं पहले से, वह या तो ख़त्म हो जाएंगे या तो नए मैग्नॉन का creation होगा। तो जब न्यूट्रॉन जो है इंटरेक्ट होता है मैग्नेटिक स्ट्रक्चर से, वह जो इंटरेक्शन होता है वो इन इलास्टिक होता है, मतलब मोमेंटम और एनर्जी जो है कंजर्व नहीं रहती। इस दौरान मैग्नॉन या तो उस सिस्टम में जनरेट होगा या उस सिस्टम में मैग्नॉन जो है वह बना हुआ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हम लोग डायग्राम पर भी देखेंगे। नेक्स्ट लाइन पर हम ध्यान देते हैं कि इफ द इंसिडेंट न्यूट्रॉन हैज वेव वेक्टर के एन एंड द स्केटर टू के एन प्राइम, दिस इज के एन प्राइम, दिस वॉज द के एन प्राइम विद द क्रिएशन ऑफ मैग्नॉन ऑफ वेव वेक्टर के, देन द कंजर्वेशन ऑफ क्रिस्टल मोमेंट्स। यहाँ पर जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ध्यान से आप देखेंगे कि के एन इज इक्वल टू के एन प्राइम प्लस के प्लस जी। जब न्यूट्रॉन इंटरेक्ट होता है मैग्नेटिक स्ट्रक्चर से, तो हमें पता है वो इन इलास्टिक होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स है उसका जो वेव वेक्टर है के एन, वो जो है के एन प्राइम, मतलब स्केटर्ड न्यूट्रॉन का जो वेव वेक्टर है, प्लस जो मैग्नॉन जिसका या तो क्रिएशन होगा या तो जो मैग्नॉन वहाँ पर उपस्थित हो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसका वेव वेक्टर के प्लस जी। जी जो है वहाँ पर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, इसको हम लोग यहाँ पे इसका इंक्लूड किए हैं क्योंकि देयर इज एन इनइक्वलिटी बिटवीन द वेव वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स एंड द वेव वेक्टर्स ऑफ द स्केटर्ड न्यूट्रॉन्स एंड द वेव वेक्टर्स ऑफ द मैग्नॉन्स। सो जी इज कंपनसेशन टर्म टू मेंटेन द इलास्टिसिटी इक्वेशन ऑफ द वेव वेक्टर्स। चूंकि हमको पता है इन इलास्टिक होता है, लेकिन हम इलास्टिकली अगर इस इक्वेशन को लिखने का प्रयास करें तो ये हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे बाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम देखते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन का, एच क्रॉस स्क्वायर के एन स्क्वायर बाई टू एम एन, दिस इक्वेशन कम्स फ्रॉम द पी स्क्वायर अपॉन टू एम। एनर्जी कैन बी रिटर्न एज पी स्क्वायर अपॉन टू एम। जनरली द इक्वेशन इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम इज रिलेटेड फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन is the energy, kinetic energy of the neutron which is incident on the ferromagnetic material, and the right hand side of the first equation, the first term is the kinetic energy of the scattered neutron from the magnetic materials, and the second term is the एनर्जी ऑफ द फोन मैग्नॉन्स। ये जो एच क्रॉस ओमेगा के है, ये जो है वही फोनॉन के सॉरी मैग्नॉन की एनर्जी है। तो हम देख रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है वो दो तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। पहला, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से न्यूट्रॉन के स्केटरिंग में यूज हो जा रहा है। दूसरा जो है, या तो फोनॉन मैग्नॉन का जनरेशन हो रहा है या तो एनिहिलेशन हो रहा है। देखिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि न्यूट्रॉन स्केटरिंग
का एक डायग्राम जो था हम यहाँ पे देख रहे हैं, आयरन जो पहला डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है वो आयरन पर यदि न्यूट्रॉन को हम इंसिडेंट करें तो ये न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखाई दे रहा है आयरन का। इंटेंसिटी वर्सेस टू स्कैटरिंग एंगल के बीच डायग्राम खींचा गया, हम देख रहे हैं कि देर आर फोर पीक्स इन दिस पैटर्न, सो दिस कंफर्म्स दैट द न्यूट्रॉन्स कैन बी क्रिएट और एनिहिलेट द मैग्नॉन इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और जो सेकेंड जो डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो सेकेंड डायग्राम यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि दिस इज द इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स हैविंग वेव वेक्टर कैन इंटरेक्ट विद द फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल, इट हैज सम मैग्नॉन्स, व्हेन द कैन इंटरेक्ट विद द के देन द न्यूट्रॉन्स इज स्कैटर्ड फ्रॉम द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैविंग वेव वेक्टर केएन प्राइम एंड जनरेट और एनहिलेट द मैग्नॉन इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि केएन जो है न्यूट्रॉन का, केएन जो है इंसिडेंट न्यूट्रॉन का वेव वेक्टर है जो कि फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल पर आ रहा है और उस पर से मैग्नॉन जनरेट हो रहे हैं और खुद जो न्यूट्रॉन है वो स्कैटर्ड होकर केएन प्राइम वेव वेक्टर से बाहर चले जा रहा है। तो जो सेकेंड जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है, स्केटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बाय एन ऑर्डर्ड मैग्नेटिक स्ट्रक्चर विद क्रिएशन ऑफ अ मैग्नॉन्स, ये जो डायग्राम दिख रहा है आप लोग को ये बताना चाह रहा है कि मैग्नॉन एनर्जी जो है, मैग्नॉन एनर्जी और जो वेव वेक्टर का स्क्वायर उसके बीच क्या रिलेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम पर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पर के स्क्वायर वेव वेक्टर का स्क्वायर लिया गया है और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर एनर्जी, मैग्नॉन की एनर्जी एक स्ट्रेट कर्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो स्ट्रेट कर्व है वो यह बताना चाह रहा है कि वेव वेक्टर एंड एनर्जी कैन बी लीनियर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो ये जो डायग्राम है वो MNPT3 मटेरियल के लिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अब हम आते हैं फेरी मैग्नेटिज्म पर। फेरी मैग्नेटिज्म जो है वो एक प्रकार से फेरोमैग्नेटिक का एक स्पेशल केस है। हम इस पर देखते हैं कि जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की स्पिन जो है आप एक लाइन पर अलाइन हो जाते हैं, मान लो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर अलाइन हो गए, तो जब उन स्पिनों में एक्साइटेशन हुआ तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट स्पिन दिखा रहे हैं, कुछ आयन जो है अपोजिट हो जाते हैं पैरेलल से, तो जो अपोजिट होना शुरू होते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो फेरी मैग्नेटिज्म की ओर अपना स्वरूप चेंज करने लग जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम लोग रीड कर सकते हैं। फेरी मैग्नेटिज्म इज द टर्म दैट वाज ओरिजिनली प्रपोज बाय नील टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक ऑर्डरिंग फिनोमेना इन फेराइटीज इन विच Fe आयन्स अपेयर्स इन टू डिफरेंट आयनिक स्टेट एंड हैंस बियर डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट विथ म्यूचुअल एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। यह जो वर्ड है फेरी मैग्नेटिज्म, ये जो है नील ने डिस्क्राइब किया था और उसने बताया कि यह एक प्रकार से मैग्नेटिक ऑर्डरिंग फिनोमिना है फेराइटीज। अभी देखेंगे अपन फेराइटीज क्या है। इसमें हम देखते हैं कि जो आयरन है, आयरन आयन्स जो हैं उसके दो डिफरेंट आयनिक स्टेट्स होते हैं, उन दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कुछ डिफरेंट होता है और यही जो दो डिफरेंट आयनिक स्टेट्स हैं आयरन के वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिसके कारण ही वर्ड आया था फेरी मैग्नेटिज्म। सेकेंड जो
यहाँ पर अपन लाइन देख रहे हैं, फेरे मैग्नेटिज्म इज ओनली ऑब्जर्विंग कंपाउंड विच हैव नॉट सॉरी विच हैव मोर कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर देन प्योर एलिमेंट। फेरी मैग्नेटिज्म जो है केवल कंपाउंड पर दिखाई देगा, जैसे बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिक्स रहते हैं और वो प्योर एलिमेंट नहीं रहता, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चरों पर ऐसे कंपाउंडों पर ज़्यादा दिखाई देता है ये वर्ड। नेक्स्ट हम यार जो लाइन है उसको डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं, थर्ड लाइन, इन दिस मटेरियल द एक्सचेंज इंट्रेक्शन लीड्स टू अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन सच अ वे दैट सम ऑफ देम हैव पैरेलल अलाइन व्हाइल अदर पजेसेस एंटी पैरेलल अलाइन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट ओरिएंटेशन टू डिफरेंट डायरेक्शन देयर इज अ नेट मैग्नेटाइजेशन इन फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। जैसा कि हमको पहले से पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो स्पिन्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन पर अलाइन होते हैं, मान लो वो वर्टिकल किसी डायरेक्शन पर अलाइन है, तो जैसे हम एक कंपाउंड देख रहे हैं कि आयरन का जो दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है मान लो अपवर्ड डायरेक्शन पे स्पिन को अलाइन करता है और दूसरा जो उसका दूसरे आयन से जो दूसरा आयनिक स्टेट है वो मान लो डाउनवर्ड इस प्रकार से मान लो एक आयन के आयनिक स्टेट जो है अपवर्ड ऊपर की ओर है, दूसरा जो है डाउनवर्ड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से स्टेप से। तो ये जो इंट्रेक्शन है आयन्स का आयन्स के साथ स्पिन के साथ जो इंट्रेक्शन है एक डायरेक्शन पर हो रहा है और दूसरा किसी आयनिक स्टेट पर जो इंट्रेक्शन है वो डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट अपने पास है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है वो स्पिन को अपवर्ड करने का प्रयास कर रहा है और दूसरा जो आयनिक स्टेट है उसमें जो आयन्स हैं उसमें जो मटेरियल हैं वह डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो ये इससे हम लोग देख रहे हैं कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों एक साथ अलाइन हैं, तो देख रहे हैं कि टोटल जो मैग्नेटाइजेशन है दोनों के कारण हमें मिलेगा और यही फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का एक स्वरूप हमें दिखाई देगा। जो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, हाउएवर कंपेयर विथ दैट ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरी मैग्नेटिक मटेरियल इज लोअर। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम होगा फेरोमैग्नेटिक से, इस यह ऑब्वियस है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में स्पिन जो है एक लाइन पे होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट एक लाइन पे होते हैं तो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर फेरी मैग्नेटिक मटेरियल पे देखें तो कुछ अलाइनमेंट जो है डाउनवर्ड है, कुछ अलाइनमेंट अपवर्ड है आयन्स का, इस कारण इसमें मैग्नेटाइजेशन जो है कम होगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटाइजेशन इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम लास्ट लाइन पर यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, सिमिलर टू फेरो मैग्नेटिक मटेरियल फेरी मैग्नेटिक मटेरियल विल आल्सो ब्रेक डाउन इनटू मैग्नेटिक डोमेन। हम यह भी बताना चाहेंगे कि फेरी मैग्नेटिक मटेरियल भी जो है एक मैग्नेटिक डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। फेरी मैग्नेटिक ऑर्डर देखते हैं, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल आर लाइक फेरी मैग्नेट्स इन दैट होल्ड स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन बिलो द प्योर टेम्परेचर एंड शो नो मैग्नेटिक ऑर्डर अबव दिस टेम्परेचर। दिस कंपनसेशन पॉइंट इज क्यूरिकल पॉइंट फॉर अचीविंग हाई स्पीड मैग्नेटाइजेशन रिवर्सल इन मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइसेस। ये जो पहला यहाँ पर लाइन था, पहला ग्राफ था, उसमें हम देख रहे हैं कि फेरी मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो फेरी मैग्नेट टाइप का ही है, यानी फेरी मैग्नेट जो भी मैग्नेटाइजेशन दिखाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, वही फेरी मैग्नेटिक कहलाएगा। इसमें भी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है लेकिन वो प्योरी टेम्परेचर के नीचे होता है और इस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक ऑर्डर दिखाई नहीं देता। तो ये इसका जो यूज़ है वो मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइसेस में इस कारण इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लाइन पर हम आते हैं, इन मैनी फेरी मैग्नेटिक क्रिस्टल द सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन एट टी इक्वल जीरो डज नॉट करस्पॉन्ड टू पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पैरामैग्नेटिक आयन्स। इवन इन क्रिस्टल फॉर विच द इंडिविजुअल पैरामैग्नेटिक आयन हैव देयर नॉर्मल मैग्नेटिक मोमेंट। हम देखते हैं कि फेरी मैग्नेटिक क्रिस्टल
जो है उसका जो सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है वो टी बराबर जीरो केल्विन, मतलब जीरो केल्विन पर कोई पैरेलल अलाइनमेंट दिखाई नहीं देता, जैसा कि हम लोग पैरामैग्नेटिक आयन पर नॉर्मली देखते हैं। इसका अर्थ है कि एट द फ्लूइड जीरो टेम्परेचर द पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल हैज लाइक द पैरामैग्नेटिक मटेरियल वेयर द अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट पैरेलल, इट इज रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट डोमेन्स। देखते हैं जो एग्जांपल है फेरीमैग्नेटिक का वो है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए Fe3O4 और इट कैन बी रिटन एज Fe0.Fe2O3। हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं अब जो आयरन आयन्स हैं उसके बारे में। हम यहाँ पर देखते हैं कि Fe3 आयन आर इन स्टेट विद s=5π2 एंड जीरो ऑर्बिटल मोमेंट। Thus, each ion should contribute 5 μV magneton, 5 magneton to the saturation moment. The ferrous ion have a spin of 2 and should contribute 4 μV. देखते हैं कि जो Fe ions हैं उसका spin state s=5/2 है और zero orbital momentum है, moments हैं। हर एक जो ions हैं Fe3 में वो 5 μV moment कंट्रीब्यूट करते हैं Fe3 को, और जो फेरस आयन है वो दो स्पिन रखता है, मतलब s=2 रखता है और कंट्रीब्यूट करता है 4 μV। यानी कि हम देख रहे हैं कि एक जो साइट है आयन का, एक जो साइट है SIT साइट, वो 5 μV कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा जो साइट है वो 4 μV कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम लास्ट लाइन पे हम देखेंगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन Fe3O4 फार्मूला यूनिट शुड बी अबाउट 5 × 2 + 4 = 14 इफ ऑल स्पिन आर पैरेलल। हम देख रहे हैं कि Fe3O4 जो है टोटल 14 स्पिन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये देखिए जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि मान लो Fe3O4 जो कि एक बेस्ट एग्जांपल है फेरीमैग्नेटिज्म का, Fe3O4 के बारे में यदि डिस्कशन करें हम तो इसमें दो साइट्स हैं, एक है टेट्राहेड्रल साइट ए जो कि टोटल स्पिन रखता है s=5/2, दूसरा जो साइट है वो रखता है s=2 स्पिन। तो हम देख रहे हैं कि द स्पिन अरेंजमेंट इन मैग्नेटाइट Fe0.Fe2O3 शोइंग हाउ द मोमेंट्स ऑफ Fe3 आयन कैंसल्ड आउट लिविंग ओनली द मोमेंट ऑफ Fe2+ आयन। हम देखेंगे टोटल इसका, अगर टोटल अभी इसके पहले देखिए हम 14 जो आयन्स हैं वो पैरेलल हो जाते हैं। हाँ, ये देखिए जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हम थोड़ा पहले इसको रीड करते हैं फिर उसके बाद हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक और फेराइटीज। द यूजुअल केमिकल फार्मूला फॉर फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल इज Me Fe2O3 वेयर एम इज द डाइवेलेंट केशन। जो Me.Fe3 है एक स्पेशल क्लास ऑफ फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो एक्सचेंज एनर्जी जे है, जे इज इक्वल टू यहाँ पर ये लाइन देखिए, इफ जे इज एक्सचेंज एनर्जी देन द एनर्जी कैन बी रिटन एज 2JSIFJ इज पॉजिटिव, वी से दैट द एक्सचेंज इंटीग्रल इज फेरोमैग्नेटिक, इफ जे इज नेगेटिव द एक्सचेंज इंटीग्रल इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब डिपेंड कर रहा है इस जे पर, तो हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि जो इंट्रैक्शन एनर्जी है वो -2JSIFJ था, इसको हम फेरोमैग्नेटिक में पढ़े थे। अब डिपेंड ये करता है कि जे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यदि जे नेगेटिव होगा तो वो फेरोमैग्नेटिक होगा और जे पॉजिटिव होगा
सॉरी अब इफ जे इज नेगेटिव द एक्सचेंज इंटीग्रल इज एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड जे इज पॉजिटिव देन इट इज फेरोमैग्नेटिक। तो हम ये जो डायग्राम है उस पर अगर डिस्कशन करें तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको एक क्यूबिकल एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिसको स्पाइनल SPINEL कह रहे हैं अपन। इसमें जो ये दिख रहा है O2 को दिखा रहा है ये, और ये जो बीच में दिख रहे हैं आपको ये एल्यूमिनियम से हैं, 3 ऑक्टाहेड्रल हैं, और ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको वह Mg2+ टेट्राहेड्रल है, क्यूबिकल शेप है। इसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब हम एक ऐसे एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें एक्सचेंज फील्ड का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं और एक्सचेंज एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फेरी मैग्नेटिज्म में। तो द मीन एक्सचेंज फील्ड एक्टिंग ऑन Mb साइड्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम, पहले इसके पहले वाले डायग्राम देखते हैं। ये जो दिख रहा है इसमें दो साइड्स हैं A और B, दो साइड्स, इन दोनों साइड्स पर कितना एक्सचेंज फील्ड क्रिएट होगा इस इक्वेशन से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। द मीन एक्सचेंज फील्ड एक्टिंग ऑन Mb स्पिन लैटिस में भी रिटर्न है Ba = -λma - μmb एंड Bb = μma - vμb टेकिंग ऑल द हियर Ma इज द Ma सबस्क्रिप्ट पर है A और Mb जो है वो नीचे है, वो भी सबस्क्रिप्ट पर है। टेकिंग ऑल मीन फील्ड कॉन्स्टेंट λμb ये सब पॉजिटिव हैं। द माइनस साइन जो है यहाँ पे द माइनस साइन देन करस्पॉन्ड टू एंटी पैरल इंट्रैक्शन, माइनस साइन जो है एंटी पैरल इंट्रैक्शन को बता रहे हैं, और इंट्रैक्शन एनर्जी को हम इस इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं जिसको हम पहले भी इस फार्मूले को देख चुके हैं U = -12Ba·mA + Bb·mB एंड देन इट कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। दिस इज लोअर वेन Ma इज एंटी पैरल टू Mb देन वेन Ma इज पैरल टू Mb। हम देखते हैं कि यदि Ma जो है Mb के एंटी पैरलर होगा तो ये लोअर होगा, यदि Ma Mb दोनों पैरलर होंगे तो ये ज़्यादा होगा, मतलब अगर दोनों पैरलर होंगे तो इंट्रैक्शन एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन यदि दोनों एंटी पैरलर होंगे तो इंट्रैक्शन एनर्जी जो है वह लोअर होगी। द एनर्जी वेन एंटी पैरलर शुड बी कंपेयर विद जीरो बिकॉज अ पॉसिबल सोल्यूशन इज Ma = Mb = 0। ट्रस्ट वेन यदि Ma और Mb दोनों को मैग्नेटाइजेशन, दोनों के साइड Ma और Mb क्या है यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन साइड Nb है, इन दोनों को जीरो कर दिया जाए तो हमें डिजायरेबल इक्वेशन मिल जाएगा μmb > ½λma² + μmb² द ग्राउंड स्टेट विल हैव Ma डायरेक्टेड पॉजिटिवली टू Mb। हाँ, अब हम डिस्कशन करते हैं क्यूरी टेम्परेचर एंड सब्सिबिलिटी ऑफ फेरी मैग्नेटिज्म। ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये इक्वेशन वेल नोन इक्वेशन है जिसके बारे में हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो एक्सचेंज फील्ड है वह मैग्नेटाइजेशन के प्रोपोर्शनल होगा, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। सो नाउ टॉक अबाउट द क्यूरी टेम्परेचर्स एंड द सब्सिबिलिटीज। वी डिफाइन सेपरेट क्यूरी कॉन्स्टेंट C and Cb फॉर आयन ऑन A and B साइड्स। फॉर सिंप्लिसिटी लेट ऑल इंट्रैक्शन टू बी जीरो एक्सेप्ट फॉर एन एंटी पैरल इंट्रैक्शन बिटवीन द A and B साइड। Ba = -μba, Bb = -μma, where mu is the positive. The same constant mu involved in both expression because of the form of equation 2. We have the mean field approximation भी हम देख चुके हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर, उसके द्वारा हम लोग ये इक्वेशन पे लिखा गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर भी देख चुके हैं। यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड फील्ड और एक्सचेंज फील्ड का एक रिलेशन दिखाई दे रहा है, साथ ही सब्सिबिलिटी को भी हम लोग इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर जो सब्सिबिलिटी है क्यूरीज लासेस लिया गया है C/T, वहाँ पर सब्सिट्यूट किया गया है। एग्जैक्ट में ये जो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार का हम लोग पहले लिख सकते थे कि m = b, और हमें पता है जो सब्सिबिलिटी है इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द फील्ड m / b, ये
ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि सब्सिबिलिटी जो है, सब्सिबिलिटी को हम लोग लिख सकते हैं m अपॉन b। तो यहाँ पर जो b है वो दो प्रकार से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, b जो है अप्लाइड फील्ड और एक्सचेंज फील्ड। एक्सचेंज फील्ड जो स्पिन के बीच इंटरेक्शन हो रहा है वो एक्सचेंज फील्ड जनरेट कर रहा है, और ba जो है वो अप्लाइड फील्ड है, मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल पर लगाया गया है उससे इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही है वाला, ये देखिए वाला इक्वेशन। और यहाँ पे काइज करो सी बाई टू क्यू डिवाइस लास्ट से भी सब्सिट्यूट किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि जो साइड ए और बी था उस क्यूबिक क्रिस्टल का, उस पर अलग अलग क्यूरिक कॉन्स्टेंट सी ए सी बी होगा, और उसका एक मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच हमने हम लोगों ने रिलेशन देखा। तो वो फाइनली जो है आयरन गार्नेट को भी डिस्क्राइब करेगा। हम देख सकते हैं कि द आयरन गार्नेट आर क्यूबिक फेरी मैग्नेटिक इंसुलेटर विद द जनरल फार्मूला M2Fe5O12। हम देख रहे हैं कि जो आयरन गार्नेट है ना वो एक फेरी मैग्नेटिक इंसुलेटर है, क्यूबिक फेरी मैग्नेटिक इंसुलेटर इज कॉल्ड आयरन गार्नेट। ध्यान से इसको फिर से देख लेते हैं अपन, आयरन गार्नेट इज द क्यूबिक फेरी मैग्नेटिक इंसुलेटर हैविंग द फार्मूला M2Fe5O12। ये जो फार्मूला दिखाई दे रहा है आपको यही आयरन गार्नेट का फार्मूला है, और इसको हम ये जो डायग्राम था ये वाला डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम जो है एक्जैक्टली जो है वो आयरन गार्नेट को बताएगा। यदि वह ये सब इक्वेशन जो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया मैग्नेटाइजेशन का और मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी का, अगर इसको फॉलो करे तो ये आयरन गार्नेट कहलाएगा, जो कि क्यूबिक फेरी मैग्नेटिक इंसुलेटर होता है। यहाँ पे M जो है ट्राइवेलेंट मेटल आयन है, आप सेकेंड लाइन पे यहाँ पे देख सकते हैं, वेयर M इज अ ट्राइवेलेंट मेटल आयन एंड Fe इज द ट्राइवेलेंट फेरिक आयन्स। Fe जो है ट्राइवेलेंट फेरिक आयन्स है, जबकि M जो है ट्राइवेलेंट मेटल है। यहाँ पर देखिए जो इट्रियम आयरन गार्नेट, इसको अपन शॉर्ट कर YIG, इट्रियम आयरन गार्नेट इज अ काइंड ऑफ सिंथेटिक गार्नेट विथ केमिकल कंपोजिशन Y3Fe2FeO43 और इट कैन बी रिटन एज Y3Fe5O12। इट इज अ फेरी मैग्नेटिक मटेरियल विथ क्यूरी टेम्परेचर 560 केल्विन, यानी कि ये जो YIG है इट्रियम आयरन गार्नेट उसका क्यूरी टेम्परेचर 560 केल्विन है, इसके नीचे वह एंटी फेरी मैग्नेटिक मॉडल को दिखाएगा। YIG में आल्सो बी नोन एज इट्रियम फेराइट गार्नेट और एज आयरन इट्रियम ऑक्साइड और इट्रियम आयरन ऑक्साइड, इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, कभी से इट्रियम फेराइट गार्नेट कहा जाता है, कभी इट्रियम ऑक्साइड कहा जाता है, कभी इट्रियम आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। द लेटर टू नेम यूजुअली एसोसिएटेड विद पाउडर फॉर्म। ये जो दो वर्ड दिख रहे हैं आयरन इट्रियम ऑक्साइड और इट्रियम फेराइट गार्नेट, ये दोनों जो है पाउडर फॉर्म में हमें मिलते हैं। इन YIG द फाइव आयन आपके पास टू ऑक्टाहेड्रल एंड थ्री टेट्राहेड्रल साइड्स विद इट्रियम आयन कोऑर्डिनेट बाय 8 ऑक्सीजन आयन इन एन रेगुलर क्यूबिक। द आयरन आयन इन टू कोऑर्डिनेट साइट एग्जिबिट डिफरेंट स्पिन रिजल्टिंग इन मैग्नेटिक बिहेवियर बाय सब्स्टिट्यूटिंग स्पेसिफिक साइट वेयर द अदर एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी ऑब्टेन। देखते हैं हम YIG में जो है पांच आयरन आयन दो ऑक्टाहेड्रल थ्री टेट्राहेड्रल साइड को रखते हैं, जबकि जो इट्रियम है वो 8 ऑक्सीजन आयन्स को एक रेगुलर क्यूबिक स्ट्रक्चर पर रखता है। तो आयरन जो है टू कोऑर्डिनेशन साइट डिसाइड करता है जिसे कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर मिलता है, और जो इट्रियम है वो एक कोऑर्डिनेशन साइट रखता है जो कि एक अलग मैग्नेटिक बिहेवियर रखता है, और जिसके कारण हमें आयरन गार्नेट की प्राप्ति हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो इक्वेशन हम लोगों ने देखा था इसके पहले, ये इस इक्वेशन के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इसको यदि हम लोग
यहाँ पर डिस्कशन करें, इसी एक डिटरमाइनेंट फाइन फॉर्म पर ले लें तो ये हमें दिखाई ऐसे दिखा। दिस इक्वेशन है नॉन जीरो सोल्यूशन फॉर एम एन एन बी इन अप्लाइड जीरो फील्ड इफ दिस कैन बी रिटन इन डिटरमाइनेंट फॉर्म। यहाँ पर डिटरमाइनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि सो दैट द फेरी मैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर इज गिवन बाय म्यू। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें टी सी इक्वल टू म्यू सी एच सी बी टू द पावर हाफ मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर, इसके पहले वाले को अगर देखें टी ग्रेटर देन टी सी पर, तो हमें सक्सेबिलिटी का जो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। और अगर इसको हम ये जो फाइनली जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो सक्सेबिलिटी का इक्वेशन जिसको अपन क्यूरी वाइस ला कह रहे थे, वो इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो ये जो आई इक्वल सी अपॉन टी माइनस टी सी, टी सी इक्वल सी लैम्डा, इसको हम पहले भी फेरोमैग्नेटिक में देख चुके हैं, उससे अगर हम लोग इसको कंपेयर करने का प्रयास करें तो ये उसी रूप का दिखाई दे रहा है जैसे पहले था। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ वाई आई जे, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इसका यूज़ क्या है। वाई आई जे हैज़ अ हाई वर्टेड कॉन्स्टेंट विच रिजल्ट इन फेराडे इफेक्ट। इसे हम फेराडे इफेक्ट में उपयोग कर सकते हैं। वाई आई जी इट्रियम आयरन गार्नेट का को हम फेराडे इफेक्ट के रूप में या फेराडे इफेक्ट के रिजल्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसका क्यू क्वालिटी फैक्टर जो है वो माइक्रो रीजन पे ज़्यादा होता है। हम देख रहे हैं जो सेकेंड लाइन है, लो एब्जॉर्प्शन इन इंफ्रारेड वेवलेंथ डाउन टू 1200 नैनोमीटर, बहुत कम एब्जॉर्प्शन है इंफ्रारेड रीजन में। वेरी स्मॉल लाइन विथ इन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, बहुत कम लाइन विथ पाया जाता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस का। और जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, दिस प्रॉपर्टी मेक इट यूजफुल फॉर MOI मैग्नेटो ऑप्टिकल इमेज एप्लीकेशन इन सुपर कंडक्टर में मैग्नेटो ऑप्टिकल इमेजिंग बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फेराडे इफेक्ट के रिजल्ट के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका माइक्रो रीजन क्यू जो है क्वालिटी फैक्टर पर बहुत अधिक होता है। लो एब्जॉर्प्शन दिखाता है इंफ्रारेड में, बहुत कम इसका लाइनेज है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में, और MOI मैग्नेटो ऑप्टिकल इमेजिंग के रूप में यूज़ होता है सुपर कंडक्टर्स में। और इसकी यूज जो है वो हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, माइक्रोवेव को हम देख रहे हैं, पहले इस लाइन को समझने की बात करते हैं। वाई आई जी इज यूज इन माइक्रोवेव एकोस्टिक ऑप्टिकल एंड मैग्नेटो ऑप्टिकल एप्लीकेशन, दैट इज माइक्रोवेव वाई आई जी फिल्टर्स और एकोस्टिक ट्रांसमीटर्स एंड ट्रांसड्यूटर्स। हम लोग इसको माइक्रोवेव एकोस्टिक ऑप्टिकल और मैग्नेटो ऑप्टिकल एप्लीकेशन में मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम वाई आई जी फिल्टर्स का भी निर्माण कर सकते हैं जो कि माइक्रोवेव रीजन में काम करेगा। एकोस्टिक ट्रांसमीटर भी बना सकते हैं और ट्रांसड्यूटर भी बना सकते हैं। इट इज़ ट्रांसपेरेंट फॉर लाइट वेवलेंथ ओवर 600 नैनोमीटर, यह 600 नैनोमीटर के आसपास जो है बहुत ट्रांसपेरेंट नेचर दिखाता है। इट इज़ आल्सो फाइंड यूज इन सॉलिड स्टेट लेजर इन फेराडे रोटेटर्स इन डाटा स्टोरेज एंड इन वेरियस नॉन लीनियर ऑप्टिक्स एप्लीकेशंस। इसे हम सॉलिड स्टेट लेजर में भी यूज कर सकते हैं, डाटा स्टोरेज के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे नॉन लीनियर ऑप्टिकल ऑपरेटर भी इससे हम लोग बना सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट इन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब हम देखते हैं कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है या एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे हो सकते हैं। तो हम पहले इस पैराग्राफ को डिस्कशन करते हैं। हियर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल यूजुअली रिलेटेड टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग इन रेगुलर पैटर्न विद नेबरिंग स्पिन पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एग्जाम्पल MNO। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम दिख रहा है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का, वो स्पष्ट है कि जो स्पिन्स हैं वो पैरेलल तो हैं, लेकिन हर एक स्पिन देखिए आप लोग अलग अलग डायरेक्शन में, ये जैसे अपवर्ड है तो डाउनवर्ड है, ये फिर अपवर्ड हो गया, ये फिर डाउनवर्ड हो गया, मतलब नेबरिंग जो स्पिन्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। जबकि
फेरी मैग्नेटिक में हम देख रहे थे कि एक लाइन जो है वो एक वर्टिकल लाइन जो है वो अपवर्ड होगा तो दूसरा वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड होगा, वो फेरी मैग्नेटिक होगा। बट एंटी फेरोमैग्नेटिक में हम देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी नेबरिंग स्पिन्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, MNS, MNT, FEF, FECL, FEO, यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के। इसका जो ऑर्डर है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इन एन एंटी फेरोमैग्नेट द स्पिन्स आर ऑर्डर इन एन एंटी पैरेलल अरेंजमेंट विद जीरो नेट मोमेंट एट टेम्परेचर बिलो द ऑर्डरिंग और नील टेम्परेचर। हम लोग देखते हैं कि जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है उसका स्पिन जो है ऑर्डर तो है लेकिन वो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट को दिखा रहा है और जीरो मोमेंट प्रोड्यूस करता है नील टेम्परेचर के नीचे। ध्यान देने योग्य यहाँ पर बात यह है कि जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल था उसमें भी जो स्पिन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहे थे, उसको भी नील ने बताया था और उसी का एक मॉडिफाइड रूप जो है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है। अर्थात नील जो साइंटिस्ट है उसने स्पिन के अपोजिट पैटर्न को दिखाने का प्रयास किया जिसके कारण हम मैग्नेटिक मटेरियल को फेरी मैग्नेटिक या जिससे आयरन गार्नेट को हमने शो किया या इथ्रियम आयरन गार्नेट को शो किया, उसी के बाद हम देख रहे हैं कि अगर स्पिन जो है नेबरिंग स्पिन्स अगर अपोजिट डायरेक्शन पे होना शुरू हो जाएं तो एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर को भी दिखाएगा। लेकिन यह जो प्रोफार्मा दिखाई दे रहा है हमें एंटी फेरोमैग्नेटिक का वो नील टेम्परेचर के नीचे ही दिखाई देगा। द सब्सिबिलिटी ऑफ एन एंटी फेरोमैग्नेट इज नॉट इनफाइनाइट एट टी इक्वल टू 10 बट हैज अ वीक क्रस्ट। ध्यान देने की बात है कि नील टेम्परेचर पर सब्सिबिलिटी जो इनफाइनाइट नहीं होता, क्योंकि हमको पता है कि हम एक इक्वेशन देख चुके हैं इस टाइप से सब्सिबिलिटी इक्वल सी अपॉन टी माइनस टी सी, ये इक्वेशन हम लोगों ने देखा था। अगर टी का मान जो है वो टी सी के बराबर हो जाए या हम लोग बोले कि इस टी सी को अगर यदि दूसरे इक्वेशन के रूप में नील के अकॉर्डिंग लिखे तो टी सी को हम लोग टी अगर एन के रूप में अगर दिखाएं टी सी को और टी इक्वल टी एन हो जाए तो इस दौरान जो सब्सिबिलिटी है वो इनफाइनाइट नहीं होता, यानी कि इसको मैथमेटिकली इनफाइनाइट आना चाहिए लेकिन मैथमेटिकली इनफाइनाइट हो सकता है बट एक्सपेरिमेंटली इट इज़ नॉट इनफाइनाइट, इट हैज़ सम वैल्यू। तो हम लोग देख रहे हैं कि वीक क्रस्ट वहाँ पे दिखाई देगा हमें, मतलब पूरी तरीके से इनफाइनाइट नहीं होगा। थर्ड लाइन पे देखते हैं हम लोग कि एन एंटी फेरोमैग्नेटिक इज ए स्पेशल केस ऑफ फेरी मैग्नेटिक फॉर विच बोथ सब लैटिस ए एंड बी हैव इक्वल सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तो सी ए इक्वल सी बी इक्वेशन 6। हम लोग देख रहे हैं कि पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि फेरी मैग्नेटिक जो था उसमें भी जो स्पिन का ऑर्डर है वह पैरेलल तो है बट अपोजिट है, मतलब उसमें एक जो साइड है एक पर्टिकुलर साइड वर्टिकल है ऊपर की ओर है तो दूसरा जो साइड है वो नीचे की ओर अरेंजमेंट दिखाता है। लेकिन यहाँ पर एंटी फेरोमैग्नेटिक हम देख रहे हैं कि प्रॉपर जो स्पिन्स का नेबरिंग स्पिन्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक इज अ स्पेशल केस ऑफ फेरी मैग्नेटिक वेयर द सब लैटिस ए एंड बी हैव इक्वल सेचुराइजेशन मैग्नेटाइजेशन, दोनों का जो सब लैटिस है ए और बी दोनों का जो मैग्नेटाइजेशन है सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वो इक्वल होगा, इसी कारण सी ए इक्वल सी बी हम लोगों ने लिखा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि नील टेम्परेचर जो है मीन फील्ड अप्रॉक्सीमेशन टी एन इक्वल टू म्यू सी के बराबर है, वैसी रिफर टू सिंगल सब लैटिस। ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक का, आप देख रहे हैं कि ये बिलो टी सी आप देखेंगे टी सी के नीचे तो उसको जो ऑर्डर है वो समान नहीं बन रहा था, मतलब जो आयन्स है उसका ऑर्डर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और अगर
टी का मान टीसी है तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको ये फेरोमैग्नेटिक के लिए शो होगा। हम देख रहे हैं कि टीसी के बाद वह इस प्रकार का कर्व दिखाई दे रहा है, उसके पहले कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है उनका। एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो जो सब्सिबिलिटी है उसको क्या लिखा गया, सी टी माइनस टी सी को टी प्लस थीटा के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सब्सिबिलिटी सी बाई टी प्लस थीटा है। अब आप देख रहे हैं कि एंटी फेरोमैग्नेटिक में भी हम देख रहे हैं कि टी एन के पहले भी वह एक कर्व टाइप का नेचर यहाँ पे शो करेगा। तो यदि हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सिबिलिटी के लिए इक्वेशन देखना चाहें तो ये जो इक्वेशन हमें दिखाई देगा काई निकलो टू सी टी बाई टी एन, ये सब्सिबिलिटी का इक्वेशन है मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी का एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये देखिए आप लोग इक्वेशन नंबर 8 जो है एक्जैक्टली बता रहा है टू सी प्लस टी प्लस थीटा, वहाँ पर टी एन को अब थीटा कर दिया गया है। और देखेंगे इन द म्यू फील्ड कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन इज इंट्रोड्यूस टू डिस्क्राइब इंटरेक्शन विद इन द सब लैटिस देन थीटा बाई टी एन इज इक्वल टू म्यू प्लस एप्सिलॉन बटा म्यू माइनस एप्सिलॉन। दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन, दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन विच कैन बी इजली अंडरस्टैंड बाई द इक्वेशंस। सो Finally, we come to the point in the summary of this lecture. In an anti-ferromagnetic, two spin lattices are equal but anti-parallel. In a ferromagnetic, two lattices are anti-parallel but the magnetic moment of one is larger than the magnetic moment to other. हम देख रहे थे कि anti-ferromagnetic में दो spin लैटिस इक्वल होते हैं बट एंटी पैरेलल होते हैं। अभी देखें हम लोग फेरोमैग्नेटिक में दो लैटिस आर एंटी पैरेलल, दो लैटिस जो है एंटी पैरेलल होते हैं, पूरे लैटिस मतलब पूरा रो, बट दो वर्टिकल रो जो है एंटी पैरेलल सकते हैं वो फेरोमैग्नेटिक कहलाएगा। फेरोमैग्नेटिक का एक स्पेशल केस है जिसे हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक में भी हो सकता है लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि दो पैरेलल लाइंस जो है एंटी पैरेलल होंगे। यहाँ पर हम एंटी फेरोमैग्नेटिक में देख रहे हैं कि हर एक स्पिन जो है एक दूसरे के अपोजिट है, और फेरोमैग्नेटिक में देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट का, एक पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन का ज़्यादा होगा दूसरे से। और हम देख रहे हैं कि एंटी फेरोमैग्नेटिक में जो सब्सिबिलिटी का इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, काई दिगर टू सी बाई टी प्लस थीटा। और हम लोग देख रहे हैं कि जो मैग्नॉन जनरेट होता है वो उसकी जो एनर्जी का इक्वेशन है एच ओमेगा इक्वल टू जे के एन, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और मैग्नॉन जो है वो T^3 टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और उसकी हीट कैपेसिटी जो मैग्नॉन की वो T^3 के प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लोगों ने देखा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो थे उसमें स्पिन्स और मैग्नेटिक मोमेंट पर्टिकुलर एक लाइन पर माइन से, स्पिनों के बीच जो है उसमें इंट्रैक्शन हुआ। हम ये भी देख रहे थे कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हैं उसमें स्पिनों के बीच इंट्रैक्शन होता है, उनमें डोमेन्स होते हैं, हर एक डोमेन जो है अलग अलग अलाइनमेंट दिखाता है स्पिनों का। अगर उन स्पिनों के बीच इंट्रैक्शन हो तो वह स्पिन पैरेलल हो जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक केस में वो पैरेलल हो जाते हैं, एक लाइन पर अरेंज हो जाते हैं जिस और मैग्नेटिक मोमेंट को भी अरेंज कर देते हैं। और एंटी फेरोमैग्नेटिक में हम देखते हैं कि प्रत्येक स्पिन जो है एक दूसरे के अपोजिट अलाइन हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि जो स्पिन्स हैं उसका जो इंट्रैक्शन है उस इंट्रैक्शन के फलस्वरूप ही हमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट मिलती है। अगर स्पिन्स एक पर्टिकुलर लाइन पे हैं तो फेरोमैग्नेटिक हो गया, यदि वो लाइन पे नहीं है दूसरे के अपोजिट है तो एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया। तो हम इस डिस्कशन में देख रहे थे कि जो मैग्नेटाइजेशन है, जो सक्सेबिलिटी है, जो एक्सचेंज फील्ड है, इनमें क्या कोरिलेशन था, और इन कोरिलेशन के द्वारा हम इसका उपयोग
बहुत अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। तो यह डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू वेरी मच।